जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ये नारा दशकों तक सियासी गलियों में गूंजता रहा और ये नारा कितना सटीक था आज नेताजी के जाने के बाद साबित भी हो गया। अब नेताजी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका जलवा अभी भी कायम है। इसीलिए तो जहां एक तरफ मानपुरी में डिंपल यादव को जीत मिली तो वहीं दूसरी तरफ इटावा में कावड़ में गंगा जल लेकर यादव समाज के सैकड़ों लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंच गए। इन लोगों ने नेताजी की समाधि पर गंगा जल चढ़ाया। इस दौरान कावड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। दोस्तों, गंगा जल चढ़ाने वाले ये लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव उनके लिए कलयुग के अवतार की तरह हैं। हमारे ना आदरणीय हैं और सम्मानित नेता हैं। हम लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया है, सब कुछ इन्होंने सिखाया और उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण के बाद और पहले हमारे कुल में जो आदरणीय नेताजी पैदा हुए हैं हम उनको कलयुग का मतलब अवतार समझ रहे हैं। मैनपुरी के राजेपुर गांव के यदुवंशी समाज के लोग ढोल बाजे के साथ कावड़ यात्रा लेकर सैफई में नेताजी की समाधि पर पहुंचे थे। यहां पहुंचकर पहले तो इन लोगों ने नेताजी की समाधि पर गंगा जल चढ़ाया, फिर पूरी समाधि को गुलाब और गेंदे के फूलों से सजा दिया। दोस्तों, इस कावड़ यात्रा का फरुखाबाद से लेकर इटावा तक स्वागत किया गया। इस बारे में गंगा जल चढ़ाने वाले यदुवंशियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया, हम यदुवंशियों ने मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत को लेकर नेताजी की समाधि पर मन्नत मानी थी कि डिंपल यादव की जीत के बाद मन्नत पूरी होने पर नेताजी की समाधि पर गंगा जल चढ़ाया जाएगा। मन्नत पूरी हुई और गंगा जल चढ़ाया गया। अभी उपचुनाव हुआ नेताजी के देहांत के उपरांत, तो यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया था कि डिंपल भाभी रिकॉर्ड मतों से जीतती है तो ये कंपल गंगा जी से कांवर भरकर नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसी परिपेक्ष में राजेपुरा के नौजवान बुजुर्ग भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, ये कांवर यात्रा लाए थे, नेताजी गंगा जी अर्पित किया है। जो सेवा हम लोगों बन पड़ी वो की है इनकी। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव अब यदुवंशी समाज के लिए अवतार बन गए हैं। यही वजह है कि पवित्र गंगा जल जो कि कावड़ के रूप में लाकर शिवजी को अर्पित किया जाता है, उसी तरह श्रद्धा भाव से कावड़ के रूप में यदुवंशी समाज के लोग कावड़ लेकर सैफई नेताजी की समाधि पर पहुंचे और गंगा जल को नेताजी की समाधि पर चढ़ाया। सैफई में नेताजी की अब समाधि श्रद्धा का केंद्र बन चुकी है, जिस वजह से आए दिन लोग श्रद्धा भाव से नेताजी की समाधि पर पहुंचते रहते हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी के लोगों ने तय किया था कि मैनपुरी यदुवंशियों की जमीन रहे, इसीलिए सभी एकजुट हों और नेताजी की विरासत को बचाएं और फिर उनकी पुत्र वधु डिंपल यादव को श्रद्धांजलि के रूप में जीत दिला करके यदुवंशी समाज ने अपना परचम लहराया। इस खबर में इतना ही। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।